अतिथि देवभव ही भारतीय संस्कृति औक्षण करून माननीय राहुलजींचं आगमन या ठिकाणी होतंय। करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या वास्तव्यानं पावन झालेल्या उमेद माननीय राहुलजींचं सुवासिनींच्या हस्ते औक्षण करून स्वागत केलं जातंय। शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू आहे, स्त्री प्रतीक त्यागाचं समर्पणाचं नवनिर्मितीचं आणि शौर्याचं स्त्री शक्तीचा सन्मान करणाऱ्या उत्सवातच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण होतंय। हा आई भवानीचा आशीर्वाद आहे आणि ज्या क्षणाची आपण आतुरतेनं वाट पाहतोय तो क्षण याची देही याची डोळा आपण अनुभवतोय। ज्यांची आपण आतुरतेनं वाट पाहतो ज्या क्षणासाठी आपण आतुरलेले आहोत आपल्या सगळ्यांची प्रतीक्षा या ठिकाणी थांबते। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी प्रत्येकाचे डोळे ज्यांच्यावरती लाभलेले आहेत कसबा बावड्याच्या या ऐतिहासिक भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या या करवीरच्या पवित्र मातीत ज्या क्षणासाठी समस्त बावडेवासीय कोल्हापूरकर आपण आस लावून बसलेलो आहोत तो क्षण येऊन ठेपलाय। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शस्त्राधारी पूर्णाकृती पुतळा महाराष्ट्रासह अखंड भारतामध्ये प्रेरणेचा स्रोत ठरणारा आणि कोल्हापूरच्या वैभवामध्ये भर टाकणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शस्त्राधारी पूर्णाकृती पुतळा या पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी कोल्हापूरच्या या ऐतिहासिक भूमीत छत्रपती शाहू महाराजांच्या जन्मभूमीपासून अवघ्या काही अंतरावरती असणाऱ्या या मातीत आपल्या सगळ्यांना भेटण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना उद्बोधित करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्यासाठी ज्यांचे शब्द आपल्या कानात आणि मनात साठवण्यासाठी आपण सगळेच जण आतुर आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समतेचा विचार प्रत्यक्ष कृतीतून जगणारे सामाजिक समतेसाठी लढणारे या देशामध्ये अठरा पगर जातींचं विविध जाती धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदानं नांदले पाहिजेत हा भारत सर्व जाती धर्मातील लोकांचा बांधवांचा आहे हा विचार पुढे नेणारे सामाजिक लोकशाहीला बळ देणारे आणि तो विचार जनमानसामध्ये रुजवण्यासाठी आग्रही असणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सामाजिक समतेच्या विचाराचे पाईक करते नेतृत्व आपल्या विचारातून कृतीतून हा सामाजिक समतेचा विचार पुढे नेणारे अखंड हिंदुस्थानातील तरुणाईचा आयडॉल या देशाचं खंबीर नेतृत्व बहुजन समाजातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांच्या हक्कासाठी जीवाची पर्वा न करता लढणारा संघर्ष योद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आपल्या कृतीतून अंगीकारणारे या देशाचं लाडकं नेतृत्व सामाजिक भान जपणारं नेतृत्व भारताचा योद्धा राहुलजी गांधी यांचं जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण सहर्ष स्वागत करूया। माननीय राहुलजी गांधी यांचं जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये सहर्ष स्वागत करूया। या देशाचं खंबीर नेतृत्व भारताचा योद्धा माननीय राहुलजी गांधी यांचं जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये सहर्ष स्वागत करूया सहर्ष स्वागत करूया। छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। इस समारंभ के अध्यक्ष माननीय खासदार श्री शाहू छत्रपति महाराज जी
एवं जिनके कर कमलों द्वारा आज की छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, वे युवा भारत के तथा सभी उपस्थित आदरणीय प्रमुख मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। मैं प्रास्ताविक की विनती करता हूं माननीय श्री सतेज उर्फ बंटी पाटिल जी को। हेलो, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा। लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, रमेश चेनीतला जी, छत्रपति शाहू महाराज जी, नाना पटोले जी, बालासाहेब थोरात जी, सुशील कुमार शिंदे साहब, पृथ्वीराज चव्हाण जी, मेरे बड़े भाई संजय पाटिल, एमपी प्रणीतिताई, विशाल पाटिल, विश्वजीत कदम, नसीम भाई, चंद्रकांत दांडोरी जी, 3.5 शक्तिपीठापैकी एक पूर्ण शक्तिपीठ कोल्हापूरच्या आई अंबाबाईचा नवरात्र उत्सव सुरू झाला आहे। या पावन पर्वाच्या नवरात्र उत्सवाच्या सर्वप्रथम सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य अभिषेक का 250 वर्ष मनाया जा रहा है, इसीलिए आज होने वाले मूर्ति अनावरण का एक विशेष महत्व है। सर, कस्बा बावड़ा जो ये भूमि है, यहाँ पे जो स्टैच्यू बना गया है, यहाँ राजश्री शाहू महाराज जी का जन्म यही इसी भूमि में हुआ था। लक्ष्मी विलास पैलेस यहाँ पे, वहां पे राजश्री शाहू महाराज जी का जन्म हुआ था। और हमें बड़ी खुशी है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की शूरता को नमन करते हुए उनकी एक ऐतिहासिक भूमि में स्थापित किया जा रहा है। 18 पगड़ जातियों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज स्थापन की थी, और उसी तरह समाज के सर्व समावेशक लोगों की मनीषा को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति की स्थापना आज यहाँ करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही। और दूसरी खुशी ये है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी के हाथ से अनावरण हो रहा है, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को अपने हक का और स्वाभिमान के बारे में विश्वास दिलाया, गरीब किसान और युवा महिलाओं को आधार दिया, आज उनके हाथ से इसका अनावरण होना है। इसके ज़्यादा और खुशी का दिन हमारे लिए कोई नहीं है। सर्व या पुतळ्यामध्ये काम करणारे सर्व कमिटीचे मेंबर संजय पाटील साहेब, त्याचबरोबर मूर्तिकार सतीश गारगे, आमदार ऋतुराज पाटील, श्रीराम सोसायटीचे सर्व संचालक यांनी चांगली जबाबदारी पार पडली, त्याबद्दल त्यांचंही खूप करतो। सर आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर से राहुल जी का स्वागत करता हूँ। और राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको हम सब आश्वासित करते हैं कि आने वाले दौर में आपके मन की सबको न्याय देने वाले विचार की सरकार महाराष्ट्र में हम जरूर लाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी। धन्यवाद। समारोह में इसके बाद मैं माननीय श्री सतेज पाटिल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय खासदार श्री राहुल जी का स्वागत आप करें। कोल्हापुर के माननीय खासदार श्री शाहू छत्रपति महाराज जी, अशा या कार्यक्रमाचे यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम होणार आहे, ते आपले लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री राहुलजी गांधी या कार्यक्रमासाठी मुद्दामहून उपस्थित असलेले चेनीतला साहेब, थोरात साहेब, पटोले साहेब आणि इतर सर्व मान्यवर मंडळी या व्यासपीठावर असलेले आणि सर्व कोल्हापुरातून आणि कसबा बावड्यातून आलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आज आपल्या कोल्हापूरसाठी हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे असं म्हटलं तर काही चुकीचं होणार नाही। आज शककर्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचं अनावरण राहुलजींच्या हस्ते आता इथं होणार आहे आणि आपल्याला सर्वांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यासंबंधी मी जास्त काही बोलायची आवश्यकता नाही, एवढंच मी म्हणू शकतोय की सर्वांना घेऊन चालणारा छत्रपती शिवाजी महाराज
आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आपण सगळे इथं जे बसलो आहोत या व्यासपीठावर आणि आपण माझ्या पुढे बसलेले सर्व जनसमुदाय हाच विचार घेऊन सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालणारा हा विचार आहे आणि तोच आपल्याला पुढण्याचा आहे. जनतेचा विचार पुढण्याचा आहे जो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये त्यांच्या काळामध्ये ठेवला होता. आपल्याला माहीत असेलच की ज्यांच्या नौदलामध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक असायचे म्हणून खरं अर्थाने धर्मनिरपेक्षचे विचार हा तेव्हापासून सुरू आहे आणि म्हणूनच आज आपण इथं सगळे एकत्र आलो आहोत असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही. मी आता जास्त वेळ घेणार नाही. आपण सगळेजण उन्हात बरेच वेळापासून उभे आहात तर सर्वांना शुभेच्छा देऊन आणि सगळ्यांचं स्वागत करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, जय. धन्यवाद. माननीय राहुल गांधी जी से अत्यंत आदरभाव से अनुरोध करता हूं, कृपया इस सभा को आप उद्बोधित करें. वो चट्टान बने खड़े हैं, पैदल देश जोड़ रहे हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे. हिम्मत वाली सच्चाई की भाषा बोल रहे हैं. वो बदलेंगे देश की सूरत, चाहे बारिश हो या आंधी. नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे, आ रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश का नेता माननीय राहुल गांधी जी का. जय भवानी, जय भवानी. रमेश चेनेथाला जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, विजय वडेटोवार जी, सतेज पाल्ले पाटिल जी, छत्रपति शाहू महाराज जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, मीडिया के हमारे मित्र, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. शुरुआत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं. ये प्रोग्राम कल शाम को होना था मगर हवाई जहाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई इसलिए कल हमें कैंसिल करना पड़ा. आपको कष्ट हुआ इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं. आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं. शिवाजी महाराज की ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है. मूर्ति जब बनाई जाती है, जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं. हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं. तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए. शिवाजी महाराज जी ने
देश को दुनिया को क्या मैसेज दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है तो यह है, सीधा सा डायरेक्ट सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है, इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते तो यह नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो के जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए विचारधारा बहुत पुरानी है, इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिषेक होना था उसी विचारधारा ने राज अभिषेक नहीं होने दिया। यह कोई नई बात नहीं है, यह मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी, मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है।
और इसके अंदर संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह सुनते समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई, और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं, मुझे यह दिखाई देती है आपके चेहरों में, आपके कर्मों में, आपके दिल में। हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है, और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, गर्मी में आप खड़े हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है, आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है। क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। समारोह में मैं माननीय श्री सतेज पाटिल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय खासदार श्री राहुल जी का स्वागत आप करें। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह को देश में पहचान प्राप्त कर देने वाले माननीय श्री राहुल जी गांधी, अत्यंत आदर भाव से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आधुनिक राजकारणाला लोककल्याण कार्याने सामाजिक न्यायाचा चेहरा देणारे देशाचे खंबीर नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रेतून काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मणिपूर ते मुंबई हा पायी प्रवास करून जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी हर हर। यानंतर माननीय खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज जी यांचं स्वागत डॉक्टर संजय डी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते संपन्न होते। माननीय खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांचं स्वागत या ठिकाणी संपन्न होते। यानंतर शिल्पकार सतीश गारगे जी, सतीश गारगे जी यांचं सत्कार होते। शिल्पकार सतीश गारगे जी, तसेच हा संपूर्ण पुतळा तयार होण्यासाठी डॉक्टर संजय डी पाटील जी, डीवाय पाटील ग्रुपचे सन्माननीय अध्यक्ष यांचा सत्कार, मातृसंस्थेचे चेअरमन संतोष पाटील, व्हाईस चेअरमन आनंद पाटील आणि पुतळा समितीचे सदस्य मानसिंग जाधव, शिवराज जाधव, प्रदीप उल्पे, सुजित जाधव, अक्षय खोत, युवराज उल्पे, डॉक्टर सदानंद सबनीस यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतोय आणि यानंतर पुतळ्याचं अनावरण होतंय। कमिटीचा या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार संपन्न होतोय। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासाठी डॉक्टर डीवाय पाटील ग्रुपनं जे सहकार्य दिलं, याबद्दल डॉक्टर डीवाय पाटील ग्रुपचे प्रमुख डॉक्टर संजय डी पाटील साहेब। आणि यानंतर ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय,